मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस हेल्थ सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मंगलवार यानी कि हर ट्यूसडे हम हेल्थ अवेयरनेस सेशन जो है उसको कंडक्ट करते हैं। कंपनी स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जो हेल्थ सेशन है उसको कंडक्ट कराती है। दोस्तों, इस सेशन में हम निरंतर ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो कि आप लोगों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप लोगों को कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है वो हम एलटॉस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल केयर से रिलेटेड टॉपिक है हम उसको कवर करते हैं। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करें जिससे आज के टाइम पे जो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी आवश्यकता है, आपकी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि हम उस टॉपिक को सबसे पहले आपके समक्ष लेकर आए। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे हेल्थ को लेकर कंसर्न आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो डेली हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके अलावा जो है वो है डेंगू की प्रॉब्लम। दोस्तों, डेंगू एक इस तरह की, मतलब आप कह सकते हैं वायरस है, बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि करंटली अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। इवन अगर हम पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो हम लोग बहुत ज्यादा बुरी तरह से कोरोना से इफेक्ट हुए थे, बट आज के टाइम पे इवन जो कोविड है, कोविड-19 की सिचुएशन है वो काफी अंडर कंट्रोल है, बट उसके साथ साथ आज के टाइम पे जो डेंगू है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ऑलमोस्ट हम आए दिन ऐसे केसेस सुनते हैं जिनमें काफी ज्यादा जो लोग हैं वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, डेंगू की अगर मैं बात करूं तो ये आज के टाइम की बहुत एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ कंसर्न डिजीज है जो कि बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और दोस्तों, डेंगू एक ऐसी ही हेल्थ इंफेक्शन है, हेल्थ डिजीज है जिसको अगर सही से क्योर नहीं किया गया या उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे चल के हमें बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। इवन कुछ केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मतलब पर्सन है या फिर पेशेंट है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे जो आपके हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है वो है डेंगू के बारे में। देन फर्दर हम एक जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका पर्सनल केयर का। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो हेल्थ सेशन है डेंगू के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, डेंगू बेसिकली जो है वो एक एयरबॉर्न डिजीज है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको एक मस्कीटो है, जो एक मच्छर है, उसके माध्यम से आपको जो डेंगू है वो होता है। ये एक बेसिकली वायरल है, वायरल फीवर है जिसको हम बोलते हैं, जिसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स जिससे हमें पता लगता है कि ये पर्सन को डेंगू हुआ है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा और डेंगू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पिछले कुछ समय की मैं बात करूं, पिछले कुछ सालों की बात करूं, तो उसमें जो डेंगू है वो काफी हद तक मतलब बढ़ा है लोगों के बीच में। इसका मतलब ये है कि पिछले अगर 2014-15 के समय की मैं बात करूं तो उस समय में ये जो डेंगू के केसेस हैं वो काफी हद तक वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुए हैं। मीन्स पिछले 5 से 6 सालों में जो डेंगू को मतलब हमने फिगर टच किया है, मीन्स उस लेवल में पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड हम 100 करोड़ लोग हैं जो एवरी ईयर, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर साल डेंगू से इफेक्ट होते हैं। और दोस्तों, इसका एक मतलब मैं ये कह सकती हूँ प्लस पॉइंट ये भी है कि डेंगू जो है वो 1-to-1 ट्रांसमिट होने वाली डिजीज नहीं है। मीन्स जैसे कि कोविड में होता था कि अगर किसी एक पेशेंट को कोविड, एक व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस केस में क्या होता था कि उसकी पूरी फैमिली जो है उससे अफेक्ट होने के चांसेस बनते थे। बट डेंगू के केस में ऐसा होता है कि ये जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, तो ये एक इसका फायदा भी बोल सकते हैं। बट ऑलमोस्ट हर साल, अगर जैसे हमने 2014 से स्टार्ट किया था कि आए साल मतलब जो इसके केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हर साल मतलब इसके केसेस में इंक्रीज हो रहा है। दो दोस्तों, एज सच अगर मैं मतलब बात करूं पूरी मार्केट
ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, तो एज सच डॉक्टर्स के पास भी इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. मीन्स दे डोंट फाइंड एक आपको वो स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो दे पाए. बट आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है. आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के पास ऑलमोस्ट हर एक हेल्थ प्रॉब्लम का, हर एक आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान है. तो एल्टॉस में जो हम ऐसे प्रोडक्ट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी बाद में, जो कि डेंगू में काफी ज्यादा अच्छे से मतलब काम करते हैं, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो उसमें साबित होते हैं. बट उससे पहले हम बात करेंगे डेंगू के कैरियर की. मीन्स कौन सा ऐसा मस्कीटो है, कौन सा ऐसा मच्छर है जिसकी वजह से जो लोगों को डेंगू है वो होता है. दोस्तों इसमें एक फीमेल मॉस्किटो यानी कि जो मतलब मच्छरों में एक फीमेल रहती है, महिला मतलब जिसको बोलते हैं मच्छर है, वो जो है वो इसका मेन रीजन है. इसके काटने से ही जो डेंगू है वो लोगों को होता है. तो फीमेल मतलब मस्किटो है उससे ये जो मतलब डेंगू है वो होने के जो चांसेस हैं वो बनते हैं. और दोस्तों जो फीमेल मॉस्किटो है वो है एडीज एजिप्टाई, मीन्स जो डेंगू को कॉज करने वाली मस्कीटो है वो है एडिस एजिप्टाई. और आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा और वेरिएंट्स जो हैं डेंगू के वो पाए गए हैं, जिनके माध्यम से ये जो डेंगू है वो होने का जो खतरा है वो काफी हद तक बढ़ जाता है. तो अर्लियर क्या होता था, इसका सिर्फ एक वेरिएंट था जो है एडिस एजिप्टाई. बट आज के समय में 4 से 5 वेरिएंट्स हैं जो डेंगू के पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आपको जो डेंगू पॉजिटिव होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि एक बहुत हैरान मतलब करने वाला एक फैक्ट है कि अगर मैं पिछले 2 डिकेड्स की बात करूं, यानी कि लगभग 20 साल के बीच की जो मैं बात करूं, यानी कि अगर आज हम हैं 2021 में है, अगर मैं सन 2000 2001 की बात करूं या 1999 की बात करूं, तो उस टाइम से लेके आज तक में मीन्स ये इन 20 सालों में जो डेंगू के केसेस हैं वो लगभग 8 गुना ज्यादा जो है वो बढ़े हैं. मीन्स एवरी ईयर इसका जो काउंट है, इसके जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, अफेक्टेड लोग हैं, वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं. मीन्स आप खुद सोच सकते हो कि पिछले 20 सालों में 8 गुना अधिक जो है मतलब इसके जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं. और मैं आपको फिगर पहले भी ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ कि 2016-17 का जो फिगर है मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे हर साल 100 करोड़ लोग जो है वो डेंगू से अफेक्ट होते हैं. तो आप खुद सोचिए जब हर साल इसका जो फिगर बढ़ता है तो वो कितने लोगों को और एड ऑन करता है. मीन्स आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई व्यक्ति जो है वो डेंगू से मतलब कह सकते हैं उसके रिस्क फैक्टर पे है. मीन्स उसको भी कहीं ना कहीं डेंगू होने के चांसेस हैं. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कभी अफेक्ट हुए भी होंगे. एंड करेंटली दोस्तों ये जो सीजन या फिर ये जो लहर चल रही है इस समय में, बहुत ज्यादा जो डेंगू के पेशेंट्स हैं वो हम देखने को मिल रहे हैं, सुनने को आए दिन न्यूज में ये चीज आती है कि डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो देखने में मिल रहे हैं. तो अब बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन का. ट्रांसमिशन दोस्तों सेम है कि जो फीमेल मस्किटो है यानी कि मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया एडीज एजिप्टाई है जिसकी वजह से ये जो मतलब डेंगू है वो होने का जो खतरा है वो होता है. तो इस तरह से ट्रांसमिशन यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये नहीं होता है. ये इसका एक बहुत मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट भी है, बहुत अच्छा बेनिफिट भी है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है. अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी कि इसके सिम्टम्स की, डायग्नोस्टिक्स की, कि किस तरह से लाइक एक व्यक्ति को जनरली पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि डेंगू इफेक्टेड है या उसको डेंगू होने के जो चांसेस हैं वो हैं. तो इसमें सबसे पहला जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है या फिर सिम्टम है वो है आपका बहुत हाई फीवर. दोस्तों जो भी व्यक्ति को कभी डेंगू होता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कैसे पता लगता है. जब भी कोई मॉस्किटो ठीक है आपको बाइट करता है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसको सडन फीवर आता है यानी कि उसको जो बुखार है वो एकदम से आता है, राइट? तो ये इसका एक बहुत ही प्राइमरी आप कह सकते हैं लक्षण है
कि जिस भी व्यक्ति को डेंगू के मॉस्किटो ने मच्छर ने काटा है तो उसको जो बुखार आएगा वो एकदम से आएगा, और उनको जो बुखार आएगा वो 102, 103, 104 इतना हाई फीवर आता है। जनरली दूसरे केसेस में क्या होता था कि हमें बुखार आता है लाइक पहले 99 हुआ, फिर 99.5, 100, 101, 102, बट डेंगू के केस में क्या होता है, आपको जो फीवर आता है वो सडन आता है लाइक डायरेक्टली 102, 103, 104, एंड इन सर्टेन केसेस इट मे रीच 105, मींस 105 तक भी जो ये फीवर है ये भी लोगों में देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो इसका सिम्टम है वो यही है कि लोगों को सडन फीवर आता है, एकदम से बुखार आता है। इसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं आपकी बॉडी, आपकी स्किन के ऊपर रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मींस जो लाल लाल आप कह सकते हैं धब्बे हैं या फिर रैशेस जिसको बोलते हैं, पूरी बॉडी जो है वो आपकी रेड रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही प्राइमरी सिम्टम है। देन लेटर ऑन नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करें तो पेन बिहाइंड द आईज, मींस आपकी जो आंखें हैं आपकी आंखों के नीचे या फिर आपको ऐसे पूरे पोर्शन में ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज्यादा जो दर्द है वो हो रही है आंखों में स्पेसिफिकली। देन इसके अलावा दोस्तों आपकी जितनी भी मसल्स यानी कि आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितने भी आपकी जॉइंट्स हैं, जितने भी आपकी हड्डियां हैं, जोड़ हैं, उनमें काफी हद तक आपको जो तकलीफ है, काफी हद तक जो दर्द है वो महसूस होता है। तो इस तरह से आपको जो सिम्टम है डेंगू का वो एक ये भी है कि आपकी पूरी बॉडी में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है आपकी थ्रू आउट बॉडी आपके सिर से लेके आपके पैरों तक कंप्लीटली आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है। देन नेक्स्ट सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वो है नॉजिया। नॉजिया होता है यानी कि आपको रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, समटाइम्स आपको ऐसा लग रहा है आपको चक्कर आ रहे हैं, बट दो ये थ्रू आउट जब भी आपको डेंगू ऐसा होता है तो काफी दिनों तक स्पेशली ये जो नॉजिया है उससे आप सफर करते हैं, मीन्स आप बहुत जल्दी थका थका फील करते हैं, आपको बहुत ज्यादा थकावट है जो वो फील होती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है जिसकी वजह से हमें जो चक्कर है वो आते हैं। देन आपको वॉमिटिंग यानी कि आपका उल्टी करने का मन भी होता है, और इस दौरान जो वॉमिटिंग है वो काफी होती भी है। आज हमें फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समटाइम्स उस केस में भी क्या होता है कि आपको जो उल्टियां हैं वो होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जो ज्वाइंट्स हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर भी जो स्वेलिंग है यानी कि उनके अंदर भी जो सूजन है वो आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेजरली जो कुछ सिम्टम्स हमने बात की है वो यही है कि आपको भूख कम लगती है, देन आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। क्लियर है दोस्तों इतना ज्यादा हाई फीवर होगा, इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी, थकावट होगी, तो हमारा कुछ भी खाने का जो मन है वो नहीं करेगा। तो ये थे हमने कुछ सिम्टम्स जो डिस्कस किए हैं डेंगू के। तो मेजरली आप इससे डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर आपको रैशेज हो रहे हैं आपकी बॉडी पे या आपको एकदम से इतना हाई फीवर बढ़ा है तो माइट बी ये एक सिम्टम है, ये एक साइन है जिससे हमें पता लगता है कि आपको जो डेंगू है वो होने का जो खतरा है वो बढ़ा है। तो इस तरह से हम ये इस चीज का पता कर सकते दोस्तों। अक्सर हम ये चीज सुनते हैं, हमें ये चीज बताई जाती है कि डेंगू में आपके ब्लड प्लेटलेट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं, एज ये जो फीवर है इसी के ऊपर काम करता है, ये आपकी जितने भी प्लेटलेट्स हैं उनको कम करता है बहुत तेजी से। बट ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि हमें खुद पता नहीं लगता, अनटिल अनलेस आप टेस्ट करवाते हो या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करते हो। नो डाउट ये एक बहुत प्राइमरी इसका सिम्टम है कि आपके प्लेटलेट्स जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, बट ये जो लक्षण है वो हम खुद इस चीज को फील नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, आपको नौजिया की फीलिंग आती है, तो वो तभी होता है, ऐसी फीलिंग तब आती है जब आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं आपके प्लेटलेट्स हैं वो काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं। बट हम इस चीज को शायद इतना रिलेट नहीं करते हैं या फिर हम इस चीज से खुद पता नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप डॉक्टर के पास डेंगू टेस्ट करवाने जाते हैं किसी लैब में जाते हैं
तो वहां पे आफ्टर टेस्ट आपको पता लगता है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये है कुछ सिम्टम्स जिनसे मतलब जो डेंगू है वो मतलब होने का जो पता है वो लगता है, ऐसे कुछ लक्षण जिनसे हम खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं कि शायद हम भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, सॉरी डेंगू पॉजिटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स आज के टाइम पे मैं एक चीज आपको और बोल रही हूँ, जितना ही डेंगू है वो फैला हुआ है वही उतने ही केसेस जो है वो टाइफाइड के भी हैं। तो मेक श्योर आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आप इस चीज को क्लैरिफाई कर लीजिए कि आपको टाइफाइड है या फिर डेंगू है। एज कुछ मतलब रीजन उसका ये है कि टाइफाइड में भी जो आपके प्लेटलेट्स है वो कम होते हैं, वेयर एज जो डेंगू है उसमें भी आपके जो प्लेटलेट्स है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो कुछ लोगों में ये चीज अक्सर एज कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजन रहता है उनको कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मतलब मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या मेरे को फीवर आ रहा है तो माइट बी मुझे सिंपल टाइफाइड है। बट जो अगर डेंगू को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता तो वो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। और एट सर्टेन स्टेज, इसकी भी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं डेंगू की, अगर उसको फर्स्ट स्टेज में हम जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो हमें मतलब सीवियर कंडीशन में नहीं जाना पड़ता। बट इफ इन केस हम सेकेंड या फिर थर्ड स्टेज का जो मतलब डेंगू है, 3 कैटेगरीज का है बेसिकली, मैं स्टेज नहीं बोलूंगी यहाँ पे, अगर उसमें आता है तो माइट भी आपको स्पेसिफिकली जब थर्ड कैटेगरी का आता है तो वहां पे पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो काफी हद तक जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, काफी हद तक बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो वहां पे ये जो प्रॉब्लम है उनको काफी हद तक बढ़ जाती है एंड सर्टेन केसेस में उस पेशेंट की जो डेथ है वो भी हो जाती है। तो मेक श्योर आपको कभी भी कोई फीवर आ रहा है स्पेसिफिकली आज के टाइम पे तो आप एक दिन ज्यादा से ज्यादा वेट करें, नेक्स्ट डे इमिडिएटली अगर आपको लग रहा है आपका फीवर कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा है या स्टेबल भी है, देन प्लीज आप अपने किसी भी नियर बाय फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। जरूर आप जो विडाल टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट है या फिर डेंगू टेस्ट है उसको आप जरूर करवाएं, इससे एटलीस्ट आप ये डायग्नोस कर पाएंगे कि आपको क्या तरह की जो प्रॉब्लम है वो आप उससे सफर कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि एल्टोस के माध्यम से हम अपना जो डेंगू का फीवर है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं या फिर हम किस तरह से अपने आप की जो सुरक्षा है वो इन सब से कर सकते हैं कि हमें इनके होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी दैट इज पपीता गिलॉय टैबलेट। आई शो यू, मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स आज दिखाऊंगी भी, पपीता गिलॉय टैबलेट। जिन लोगों को भी फीवर आता है रेगुलर बेसिस पे या फिर मतलब काफी समय से फीवर हो रहा है, इवन नॉर्मल फीवर भी है, या फिर जिन लोगों के प्लेटलेट्स काफी हद तक डाउन हो जाते हैं वो लोग दिन में मतलब जो एटलीस्ट 2 बार है पपीता गिलॉय टैबलेट लेंगे। जिन लोगों के प्लेटलेट्स काफी हद तक कम है वो इस टैबलेट का 7 दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप डेंगू से पीड़ित हैं या फिर टाइफॉइड है, अगर आपके प्लेटलेट्स कम है तो आप पपीता गिलॉय टैबलेट का 7 दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे हैं, मीन्स उनके प्लेटलेट सेल्स काफी हद तक कम है, वो लोग इस पपीता गिलॉय टैबलेट का सेवन तुलसी के पानी के साथ करेंगे। मीन्स आप पानी में 5 ड्रॉप्स जो है मिनिमम उसमें तुलसी डालेंगे, उसके बाद में आप इसको जो है उसके साथ लेंगे। तो इससे क्या है जो आपके प्लेटलेट्स का इंक्रीज होने की जो मतलब कह लीजिए अबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है वो 2 गुना अधिक हो जाएगी। मेक श्योर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पपीता गिलॉय टैबलेट का सेवन तुलसी के पानी के साथ करते हैं तो 2 गुना तेजी से आपके जो सेल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों पपीता गिलॉय टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं या फिर इसके अलावा आप जो गिलॉय सिरप है वो भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, जिन लोगों को प्लेटलेट काउंट का काफी ज्यादा इशू है वो लोग पपीता गिलॉय टैबलेट ही प्रेफर करें, और गिलॉय सिरप है आप उसके साथ में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अश्वगंधा कैप्सूल लेना है,
आप ये देख सकते हैं अश्वगंधा कैप्सूल है, ये भी आपने सुबह शाम दिन में 2 बार लेना है। एक कैप्सूल सुबह लेना है खाना खाने से बाद में, और एक कैप्सूल जो है वो रात को लेना है आफ्टर डिनर। तो आपने ये जो कैप्सूल है अश्वगंधा, इसको भी सुबह शाम 2 बार सेवन करना है। देन दोस्तों आपको तुलसी सिरप का सेवन करना है, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। मेक श्योर आपको इसका सेवन जो है वो करना ही करना है। जिन लोगों को भी अपने आप को हेल्दी रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, बचा के रखना है, वो लोग भी इन सभी प्रोडक्ट्स का सेवन है वो ऐसे ही करेंगे। उस केस में पपीता की लार टैबलेट आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल टैबलेट करेंगी, अश्वगंधा एक एक कैप्सूल और 2-2 चम्मच तुलसी सिरप जो है सुबह और 2 चम्मच शाम को आपने तुलसी सिरप का सेवन जरूर करना है। देन दोस्तों आपने कुरक्यूमिन का भी सेवन करना है। कुरक्यूमिन को यहाँ पे ऐड करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, एक तो ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है आज यहाँ पे डेंगू के केस में। सेकेंडली इसमें काफी अच्छी मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी। जैसे कि जब हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, इसके लक्षणों की बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि इसका एक मतलब मेन सिम्टम है कि आपके जॉइंट्स में, आपके ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, स्वोलन मतलब वो फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो कुरक्यूमिन जो है वो आपकी सब तरह की जो सूजन है, इंफ्लामेशन है, उसको कम करता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में देता है, दिन भर आपको एक्टिव रखता है। तो इसलिए कुरक्यूमिन प्लस का जो सेवन है वो भी आपने दिन में 2 बार अवश्य करना है, एक सुबह और एक शाम को। आप दोस्तों इसको जरूर अपने मतलब इस सप्लीमेंटेशन में ऐड करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच जीवन शक्ति जो है उसका सेवन जरूर करेंगे। और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी कि दूध के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं जीवन शक्ति का, तो ये काफी हद तक जो है वो फायदेमंद साबित होता है हर एक व्यक्ति के लिए। तो आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच जो है वो जीवन शक्ति का हर व्यक्ति को प्रतिदिन सेवन करना है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठंडी का मौसम है, काफी हद तक जो सर्दी है वो बढ़ चुकी है, तो जीवन शक्ति जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, एडल्ट्स को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हर एक को आज के टाइम पे जीवन शक्ति की जो जरूरत है वो काफी ज्यादा है। तो आप हर रोज दिन में इसको मतलब सॉरी हर रोज रात को सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको काफी हद तक बढ़िया मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे सप्लीमेंटेशन यानी कि एल्टॉस के माध्यम से हम किस तरह से अपना जो डेंगू है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम खुद को जो डेंगू है या फिर किसी भी प्रकार का वायरल है, फीवर है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पपीता गिलोय टैबलेट, अश्वगंधा कैप्सूल, देन दोस्तों कुरक्यूमिन प्लस, देन इसके अलावा आपका जीवन शक्ति और है तुलसी सिरप। ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं इनको आपने प्रतिदिन लेना है। ये थे दोस्तों एल्टॉस के कुछ सप्लीमेंट। और अब मैं आपको कुछ बातें वो बताऊंगी जिससे आप खुद भी अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हो अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स। सबसे पहली चीज दोस्तों, अपने घर के आसपास किसी भी तरह का जो पानी है उसको एकत्रित होने ना दे। कहीं भी अगर स्टैग्नेंट वाटर है या फिर मींस खड़ा हुआ पानी है, तो उस केस में ये जो मतलब फीवर है या फिर ये वायरल है उसके फैलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो जो डेंगू का मस्कीटो है वो ज्यादातर वहीं पे आता है जहां पे पानी खड़े रहता है या फिर मतलब स्टैग्नेंट वाटर जिसको बोलते हैं। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, अपने आसपास, अपने घर के आसपास कहीं भी या फिर ऐसी कहीं भी जगह पे आप लोग खड़े ना हो जहां पे जो पानी है वो ऑलरेडी पहले से खड़ा हो, स्टैंडिंग वाटर हो।
इसके अलावा दोस्तों अभी के टाइम पे जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, मींस जैसे कि गुड नाइट है या फिर मतलब और ऐसी चीजें आती हैं जिनसे जो मस्किटो है वो दूर भागते हैं, कुछ देसी नुस्खे भी हैं, अगर आप लोग उसको जानते हैं तो वो अभी के टाइम पे आप उनका यूज जरूर करें। इससे क्या है कि मस्किटो जो मच्छर है वो आपके आसपास नहीं आएंगे अगर आप मस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं। देन पूरी मतलब कवर्ड कपड़े जो है वो हमेशा डाल के रखें। हर टाइम आपके पैरों पे जो सॉक्स है वो होना चाहिए। दोस्तों सॉक्स यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली ऐड किया है, उसका रीजन यही है कि जो डेंगू का मच्छर है वो आपको मतलब नीचे नीचे काटता है, यानी कि आपके पैरों आपके घुटनों से नीचे नीचे का जो आपका पार्ट है वहां पे आपको जो डेंगू का मस्किटो है वो वहां पे काटता है। तो आप हमेशा अभी कुछ समय के लिए अपने जो पैर है सारा दिन एटलीस्ट उसको कवर करके रखें ताकि आपका जो मस्किटो है वो आपको डायरेक्टली स्किन आपकी त्वचा के ऊपर बाइट ना करे। देन इसके अलावा दोस्तों आप अभी थोड़ा सा अपने बच्चों को भी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मना कीजिए क्योंकि मस्किटो इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके बच्चे से बाहर जाते हैं वो एक तरह से एक रिस्क फैक्टर के अंदर रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल मच्छर ने भी काटा है तो आप इमिडिएटली उसके ऊपर जो तुलसी पाउडर है उसकी ड्रॉप्स जो है वो उसको लगा सकते हैं। इससे क्या है आपको किसी तरह का जो मतलब उसका स्वेलिंग नहीं आएगा, किसी तरह का आपको मतलब उसके ऊपर सूजन नहीं आएगी या फिर रैश नहीं बनेगा। और सबसे जरूरी चीज आपके आसपास में जो गंदगी है या फिर कूड़ा है उसको आप मतलब ना जमा होने दें। हर एक चीज जो आप यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डस्टबिन में थ्रो करें, यानी कि कूड़ेदान में फेंकें ताकि वहां पे भी आसपास आपके कोई मक्खी मच्छर ना बने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम खुद ध्यान में रख सकते हैं और हम खुद की जो सुरक्षा है वो इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली फॉलो अप करोगे। बिकॉज दोस्तों अगर आज कोई भी हमारी फैमिली में बीमार पड़ता है या किसी को भी किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो ऑन द होल पूरी फैमिली जो है उस टाइम पे अफेक्ट होती है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं आपकी सुरक्षा के लिए या फिर अगर जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं उनके लिए, और कुछ टिप्स जो कि हमारे लिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक और पॉइंट, हमेशा थोड़े ढीले कपड़े पहने, मीन्स इस टाइम पे जो टाइट कपड़े हैं उनको थोड़ा सा हम अवॉइड करें और हल्के रंग के जो कपड़े हैं मीन्स लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो हैं उसका जो आप इस्तेमाल है वो अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा करें, इससे जो है वो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो दोस्तों ये था डेंगू के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं इसकी डिस्क्रिप्शन दी है आपने इसको जरूर सुना होगा ऑब्वियसली, और आप इसको जो है वो उसके ऊपर फॉलो अप भी लेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका पर्सनल केयर से रिलेटेड है। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हम हेल्थ का टॉपिक जो है कवर करेंगे और सेकेंड जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो है आपका पर्सनल केयर से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि विंटर्स आ चुकी हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, लास्ट वीक हमने कवर किया था आपकी स्किन के ऊपर कि आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है आपकी त्वचा के ऊपर, तो किस तरह से आप अपनी जो ड्राइनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। आज का जो हमारा मतलब सेशन है वो अगेन आपके विंटर से रिलेटेड है, बट आज हम आपकी त्वचा की बात ना करते हुए आपके बालों की और आपकी स्कैल्प आपकी जो सिर की त्वचा है इसकी बात करेंगे, राइट? तो दोस्तों बालों की अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में स्पेसिफिकली जो लोगों को सबसे अधिक प्रॉब्लम आती है वो आती है डैंड्रफ की। डैंड्रफ एक ऐसा मतलब कंडीशन है नो डाउट थ्रू आउट ईयर, यानी कि कुछ लोगों में हमने ये देखा है पूरा साल उन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है जो रहता है, बट सर्दियां एक ऐसा टाइम है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति को जो डैंड्रफ है उसके होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और अक्सर हमने ये चीज देखी है कि डैंड्रफ जो है वो सर्दियों में लगभग हर एक व्यक्ति को जो है वो होता ही होता है।
तो आइए हम बात करेंगे आज इस सेशन में कि डैंड्रफ होने के क्या क्या रीजंस हैं। मींस ये जो डैंड्रफ है सर्दियों में ही अक्सर ऐसा क्यों जो है वो बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट सेशन में भी ये चीज बताई थी कि जब भी सर्दियां आती हैं या फिर जाड़े का मौसम आता है जिसको हम जाड़ा भी बोलते हैं सर्दी को, उस समय जो हमारा आसपास का वातावरण है, हमारी एयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें मॉइस्चर की कमी आ जाती है। मींस उसमें जो आपका वाटर कंटेंट है, पानी है, मतलब नमी है बेसिकली, उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, जब वातावरण में एयर में मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी सारी स्किन जो है वो फटने लगती है। आपकी पूरी की पूरी स्किन, अगर मैं बात करूँ सिर्फ सिर की या फेस की नहीं करती, थ्रू आउट बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि उस टाइम पे सर्दियों में ज्यादातर हमारी जो स्किन है वो फटती है। रीजन उसका यही होता है दोस्तों कि उस टाइम हमें वातावरण से जो है वो मॉइस्चर नहीं मिलता। आप खुद ये चीज देखते होंगे कि आपके जो लिप्स हैं, आपके होंठ हैं, वो भी काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप अपनी स्किन टच करते हो, मतलब आप ऐसे करते हो तो कुछ लोगों में हमने देखा होगा यहाँ पे सफेद सफेद हो जाते हैं, राइट? या फिर आप स्किन देखते हो कि गर्मियों में या फिर नॉर्मल वेदर में क्या होता है, जनरली आपका जो फेस की त्वचा है वो भी काफी मुलायम होती है। बट जैसे ही मौसम बदलता है उस केस में आप देखते हो कि आपकी सारी की सारी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है, राइट? और उसके साथ ही आपके पैर भी है वो फटने लगते हैं, आपकी थ्रू आउट स्किन जो है वो फटती है। तो ये रीजन वही है कि ये आपकी जो मतलब एयर में मॉइस्चर है, एयर में मतलब नमी की कमी है, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। ऐसे ही सेम आपकी जो स्कैल्प है यानी कि आपके बालों की जो सिर के नीचे की त्वचा है, ये भी एज इट इज सर्दियों में इसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो रूखापन है वो देखने को मिलता है, राइट? तो ये रीजन डैंड्रफ होने का यही है। मींस आपकी जो ये सिर की त्वचा है वो बहुत ज्यादा रूखी रह जाती है। दोस्तों हमने अक्सर ये चीज देखी होगी, मैं यहाँ पे मतलब हमारे जितने भी भाई हैं पुरुष हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कम इन्वॉल्व करूंगी क्योंकि वो हर रोज अपने बालों की मतलब में तेल लगाते हैं। काफी हद तक जो के जो पुरुष हैं ये चीज हमने देखी है कि वो लोग अपने बालों में जो है वो ऑयलिंग करते हैं, हर रोज तेल लगाते हैं। महिलाएं जो है वो अक्सर तेल लगाना अवॉइड करती हैं या फिर बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो हर रोज तेल लगाती हैं। तो रेगुलरली क्या होता था कि कहीं ना कहीं आपको मॉइस्चर मिल रहा था, आपके बालों को एक पोर्शन जो है वो मिल रहा था। बट सर्दी के मौसम में क्या होता है कि आपकी पूरी नमी जो है वो खत्म हो जाती है, काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सिर की त्वचा है वो बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है। और जैसे ही वो उसमें बहुत ज्यादा रूखापन देखने को मतलब हम फील करते हैं तो आपकी जो छोटी छोटी सफेद सफेद स्किन है जिसको हम प्लेक्स बोलते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप इवन अपने बालों में ऐसे भी करते हो तो आपकी वो जो स्कैल्प मतलब फ्लेक्स हैं स्कैल्प के ऊपर के वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इवन आपके हाथों में भी आपको फील होते हैं, राइट? तो ये एक मतलब डैंड्रफ है इसको ही बोलते हैं। मीन्स जितनी भी रूखेपन की वजह से आपके जो सिर की जो स्कैल्प के फ्लेक्स हैं, राइट, वो जब निकलती है उसको ही बेसिकली डैंड्रफ कहा जाता है। और बात करते हैं ड्राइनेस के अलावा इसके और कौन कौन से रीजंस हैं, मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये जो डैंड्रफ है वो होता है। तो पहला मैं आपको बता चुकी हूँ ड्राई स्किन। सेकेंडली दोस्तों ऑयली स्किन भी, अगर किसी के बालों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो तेल है वो निकलता है, जनरली हमने देखा होगा कुछ लोगों के बाल जिस तरह से उनकी स्किन ऑयली होती है वैसे ही उनकी स्कैल्प भी ऑयली होती है। तो जिन लोगों के मतलब सिर में अत्यधिक जो तेल है वो निकलना है और वो जल्दी जल्दी से अपने बाल वॉश नहीं करते हैं, 3-4 दिन का गैप डालते हैं शैम्पू करने में, तो उस केसेस में भी जो आपके बाल हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अंदर भी जो मतलब इन्फेक्शन है बेसिकली कीटाणु जो है वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो डैंड्रफ है या फिर आपके जो फ्लेक्स हैं उनके होने की जो समस्या है उसका जो मतलब रीजन है वो काफी हद तक बढ़ जाता है।
देन दोस्तों थर्ड रीजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है ऑब्वियसली इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, या फिर मैं अगर बोलूं इन्फेक्शन नहीं बोल सकती, आपकी मतलब स्कैल्प की सेंसिटिविटी, मींस कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने हेयर पे, इवन आप कुछ भी खरीद के ला रहे हो मार्केट से या एनीथिंग, आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो अपने बालों पे, तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। प्रोडक्ट सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। अगर उस पे सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज्यादा मैं कहूँ आपको कुछ चीज रिएक्ट करती है, तो भी आपकी जो स्किन है उसमें जो व्हाइट व्हाइट आपके फ्लेक्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जैसे कि सोराइसिस हो गया या फिर एक्जिमा, इस तरह की कुछ कंडीशंस भी हैं जिनकी वजह से जो डैंड्रफ है वो होने की जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये हैं कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से जो डैंड्रफ है या फिर रूसी है बालों की, उसमें काफी हद तक इजाफा होता है सर्दियों के समय में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एल्टॉस के माध्यम से आप अपनी ये जो डैंड्रफ की समस्या है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो मैं ऑयल आप लोगों को रिकमेंड करूंगी यहाँ पे वो है अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ ही टाइम पहले कंपनी ने इसको मार्केट में लॉन्च किया था, राइट? तो ये जो अनियन ब्लैक सीड ऑयल है इसमें 7 तरह के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका ब्लेंड है। अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल नाम से ही दो तो क्लियर हो जाते हैं, इसमें एक अनियन ऑयल है, एक ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑर्गन ऑयल है, देन कैस्टर ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल, जोजुबा ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। 7 तरह के जो एसेंशियल हेयर ऑयल्स हैं उनको मिला के ये जो अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है कंपनी ने उसको तैयार किया है और मार्केट में लॉन्च किया है। फ्रेंड्स अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है बल्कि आपके बालों को झड़ने से भी रोकता है, आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, आपके बालों को एक कुदरती तौर पर जो चमक है वो प्रदान करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपको आपके मजबूत बाल जो है वो देने में मदद करता है। तो ये जो हेयर ऑयल है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है, और इसको यूज करने का जो मेजरली वे है वो आपने रात को सोने से पहले इसको लगाना है। फ्रेंड्स मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो अपने बालों में तो उसके बाद अपने बालों में जो मसाज है उसको जरूर करें। मीन्स ये जो मसाज है वो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट? तो अगर आप अपने बालों को मसाज करते हो तो ये आपकी जो स्कैल्प की आपकी जो खोपड़ी है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, आपके जो पोर्स हैं उनको खोलता है, जिससे आपका जो हेयर ऑयल है वो अच्छी तरह से आपके बालों की जड़ों तक पहुंचता है, और अगर आपके बालों की जड़ों में अच्छे से तेल जा रहा है तो यही आपके बालों को मजबूत जो है वो करता है। तो आप जब भी हेयर ऑयल लगा रहे हो मेक श्योर आप अच्छे से कम 5 से 10 मिनट आप अच्छे से मसाज करो, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और बाल जो है वो आपके मजबूत होने के जो चांसेस हैं वो भी काफी हद तक बढ़ेंगे। देन दोस्तों ओवरनाइट लगा के रखना है, यानी कि पूरी रात आपने इसको लगा के रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे आपने शैम्पू की मदद से, और यहाँ पे हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो यूज करेंगे, नीम लाइट एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हम यूज करेंगे। दोस्तों इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल है, जिसके मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है इसको बनाया गया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको मतलब यूज करेंगे, मतलब यूज करके आप अपने जो बालों में लगा हुआ तेल है वो रिमूव करेंगे। दोस्तों ये 200 ml की पैकिंग है, और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, कंपनी ने अभी कुछ ही दिन पहले इसमें जो 100 ml की पैकिंग है उसको भी लॉन्च किया है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों ये 100 ml की पैकिंग है और ये जो है ये 200 ml की पैकिंग है। अब जो कंपनी ने शैम्पूज है उनको भी दो पैकिंग में लॉन्च किया है, एक 100 ml में और एक 200 ml में। तो आप शैम्पू की मदद से अपने जो बाल हैं उनको वॉश करेंगे, जितना भी एक्सेस हेयर ऑयल है उसको अपने बालों से निकालेंगे। देन इसके बाद दोस्तों आप जब भी शैम्पू कर रहे हैं
कंडीशनर आप जरूर अप्लाई कीजिए, और पॉइंट नोट कीजिए, जब भी कंडीशनर लगा रहे हैं, कंडीशनर आपने अपने ऊपर के बालों में लगाना है। कभी भी आपने कंडीशनर जो है वो उसको अपने बालों की जो जड़ें हैं उसमें नहीं लगाना। कंडीशनर आपके अपर हेयर्स के लिए है, आपके बालों की जो जड़ें हैं उनके लिए नहीं है, राइट? तो जब भी आप कंडीशनर यूज करोगे तो आपको ऊपर ऊपर से जो बाल है कंडीशनर करके मिनिमम 4 to 5 मिनट्स आपने उसको ऐसे ही छोड़ना है, देन आप उसको पानी की मदद से डायरेक्टली वॉश कर दोगे। आफ्टर हेयर वॉश मीन्स बाल होने के बाद में आपने अपने बालों की जो जड़ें हैं उसमें हेयर विटलाइजर जो है वो लगाना ही लगाना है। दोस्तों हेयर विटलाइजर क्या है? इसमें जटावानसी है और आंवला एक्सट्रैक्ट है। हेयर विटलाइजर क्या करता है? बेसिकली एक तो आपके बालों को, मतलब जो जड़े हैं बालों की जड़ें, उनमें ये प्रॉपरली जाके उन्हें नरिश करता है। सेकेंडली ये आपकी स्कैल्प, जो आपकी सिर की त्वचा है, उसको रूखा होने नहीं देता है। मीन्स तो थ्रू आउट अगर आप इसको लगाते हो तो पूरा टाइम आपके जो मतलब स्कैल्प है ये रूखा रूखा नहीं रहेगा, जिससे आपके जो मतलब डैंड्रफ होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये इस तरह से अपने बाल धोने के बाद ये जो हेयर विटलाइजर है इसका इस्तेमाल करना है, राइट? तो इस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो ये आपके बालों में से डैंड्रफ को दूर करने, और इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो बालों की ग्रोथ है उन्हें मतलब बढ़ाने में भी ये काफी हद तक योगदान देता है। तो अगेन मैं आपको एक बार बता दूं, अनियन फ्लैक्सीड हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, देन प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू, और उसके बाद में कंडीशनर, और देन सबसे जरूरी पॉइंट विटालाइजर आपने लगाना है। तो इस तरह से आप सर्दियों के समय में भी अपने बालों की जो समस्या है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, रूसी की समस्या है, उसको ठीक करके अपने बालों को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पर्सनल केयर का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि आप अपने बालों की सुरक्षा जो है वो सर्दी के मौसम में किस प्रकार कर सकते हैं। और इससे पहले हमने हेल्थ केयर में डिस्कस किया था डेंगू के ऊपर, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम के लिए जरूरी भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस सेशन को ऑब्वियसली ध्यान से सुना होगा, और मेक श्योर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप उनको यही प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड करेंगे। आप उनको यही समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करते हैं और इन वजह से ये आपको सुरक्षित करने में मदद करते हैं। दोस्तों स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे हमारे कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-1375-210 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको प्रोडक्ट को लेके या किसी भी अन्य चीज को लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कंपनी में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जो सुरक्षा है उसको उसको प्राइमरी रखिए, मीन सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को रखिए। अगर आज आप स्वस्थ हैं तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली स्वस्थ है, आप हर चीज को करने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह से आपको मैं पर्सनली भी यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उन प्रोडक्ट्स का सेवन करें जो कि आपको डेली बेसिस पे एक्टिव रखते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूती प्रदान करते हैं। और एक बार फिर से मैं यही बोलूंगी दोस्तों, काढ़ा जो है उसका सेवन आप अवश्य करिए, दिन में कम से कम एक बार जो है वो आयुष्क्वाथ, या फिर आप कह सकते हैं अगर आपके पास आयुर्वेदिक काढ़ा है, जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है, उसका सेवन दिन में एक बार अवश्य जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और जितने भी लोग आपके आसपास में हैं, आपके टच में हैं, आप उनकी भी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी आपको इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो दे रही है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे दे रही है। मोर ओवर इतने अच्छे आपको मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जिनके इस्तेमाल से लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर किया है, और ये जो कड़ी है हमें आगे भी ऐसे ही चला के रखनी है। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है,
एक्चुअल में हम उसको पूरा करने में जो सक्षम है वो बने, और जो कि हम हमेशा से चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को मतलब दुनिया के पूरे एक एक कोने में पहुंचाएं और हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाएं। तो इसी के ऊपर हमें हमेशा काम करना है। और दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इसी के ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा मतलब आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुद भी करें, लोगों तक भी अपना जो है वो इसको प्रोडक्ट्स को जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों कंपनी का जो फेसबुक पेज है एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से, याद से उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों उस पेज पे कंपनी के जितने भी अपडेट्स हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है या किसी भी तरह की जो भी अपडेशन कंपनी करती है वो आपको फेसबुक पेज के माध्यम से देखने को मिलती है। और दोस्तों अभी तो हम काफी अदर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सब पे आप एल्टॉस का जो पेज है या फिर हमारे जो एमडी सर का पेज है अभिषेक गुप्ता जी के नाम से, डायरेक्टर एल्टॉस के नाम से, आप उसे भी जरूर लाइक करें, फॉलो करें। क्योंकि अगर हम सर का पेज फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली सर हमें हमेशा बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें आए दिन सिखाते हैं। तो आप ये भी जो मोटिवेशन है वो सर के थ्रू आप उनके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको फॉलो करके आप जो है वो ले सकते हैं। तो आप जरूर फेसबुक पेज को भी और जितने भी अदर सोशल मीडिया एप्स हैं उनके पेजेस को भी और सब की प्रोफाइल को भी जरूर लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बड़े एल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बड़े एल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे एल्टॉस जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे एल्टॉस जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है एल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कदम चलेंगे एल्टॉस जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन हो